हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे इटली स्टाइल ढोकला। तो जो आज हम ढोकला बना रहे हैं वो हम इटली के सांचे में बनाएंगे और हम कोई भी स्टीमर नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ आज ये जो इटली स्टाइल ढोकला है ये हम कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है इटली सांचे में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगता है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है। हम खम्बन ढोकला स्टाइल बनाएंगे, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और एक कप बेसन डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 3/4 कप सूजी, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे छोटी 2 चम्मच चीनी, अगर आप बड़ी चम्मच लेते हो तो एक ही चम्मच डालिएगा, थोड़ी सी पिंच भर हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। हल्दी हमें पिंच भर ही डालनी है, हमें इससे ज़्यादा हल्दी नहीं यूज़ करनी है, नहीं तो ढोकले में वो ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और पूरा आधा नींबू हम यहाँ पे लेंगे, नींबू का रस। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी की मदद से इसका बैटर बना लेंगे। बैटर हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना है क्योंकि हम इसे रेस्ट पे रखेंगे, सूजी थोड़ी सी फूलेगी तब तक के लिए। थोड़ा सा हमने अदरक डाल दिया है किसा हुआ, क्योंकि अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लोइंग बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे क्योंकि इसमें सूजी है, तो सूजी को 10 मिनट्स रेस्ट चाहिए। तब तक के लिए हम यहाँ पे कुकर को प्री हीट कर लेते हैं और इसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टेबलस्पून इनो। इनो आप कोई भी ले सकते हैं, ब्लू या ग्रीन कोई भी चलेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे रिएक्ट करने के लिए। देखिए ये कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद फटाफट से हमें इसे मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इनो और बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा फूल भी गया बैटर। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इडली के सांचे में। तो यहाँ पर मैंने बड़ी चम्मच ली है और चम्मच की मदद से मैं हर सांचे में 2-2 बड़ी चम्मच डालूँगी। तो इस तरीके से जो मेरी इडली का, जो मेरी इडली ढोकला है, इसका साइज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप एक मेजरिंग वाला स्पून ले लीजिए और उसकी मदद से आप इसमें सब में इडली के सांचे में वो बैटर डालिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्री हीट हो चुका है कुकर। उसके बाद हमने इडली डाल दी थी और 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी इडली ढोकला बनकर रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट सा। आप देख सकते हैं पीछे से इसकी जाली एकदम अच्छे से दिख रही है, जो ढोकले में जाली आती है वो काफ़ी अच्छी आई है। आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनता है इस इडली सांचे में। और ये मेरा जो सांचा है ये थोड़ा सा छोटा साइज़ है, तो इसलिए मेरी इडली का जो साइज़ है वो थोड़ा मीडियम साइज़ का है। अगर आपके पास सांचा बड़ा है तो आपका जो इडली ढोकला है वो काफ़ी अच्छा बड़ा बनेगा। तो अब हमें इसे खमन वाला तड़का देना है। तो तड़का मैंने रेडी कर रखा है। तड़के में मैंने डाला था राई, हरी मिर्च, करी पत्ता और धनिया पत्ता। धनिया पत्ता खैर हम ऊपर से डालेंगे, तो वो मैंने इस इडली वाले हमारे जो ढोकला है इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं ये अब एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है हमारा इडली स्टाइल खमन ढोकला। बहुत ही यमी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने इस रेसिपी से ट्राई किया तो आपको कैसा लगा ये। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।